नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज मुंबई का लाइव और मैं हूं आपके साथ वीएफ राजपुरोहित क्रांति। जीवन उन्हीं का सफल माना जाता है जो परहित के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हो चाहे, नया रास्ता दिखाने के लिए हो चाहे, मदद करने के लिए हो चाहे, या उत्साह वर्धन करने के लिए हो, ऐसे लोगों को प्रकृति भी भरपूर सहयोग करती है। आज हम ऐसे क्षेत्र की नारी जगत की बात करते हैं जो उड़ान तो चाहती है मगर क्षितिज के लिए हौसला देने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसे में वहां पर आगे आती है नारी शक्ति नई उड़ान। ये संस्थान आगे आकर के जो कार्य करती है, आज हम आपको बताएंगे कि संस्था पिछले 5 वर्षों से सैकड़ों महिलाओं को हौसला प्रदान करती आ रही है। इस टीम में 9 सदस्य हैं। जैसे आप जानते हैं ईश्वरीय सत्ता में भी 9 देवियां होती हैं और ये 9 सदस्य नारायणी बनकर काम कर रही हैं। मुंबई नाना चौक ज्योति स्टूडियो स्थित अवसर हॉल में हुनर वाली महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। जो महिलाएं घर में बैठकर अपनी हुनर तैयार कर रही थी, संस्था के माध्यम से अध्यक्षा श्रीमती उषा मुणोत एवं उनकी टीम के माध्यम से एक नया सवेरा देने की कोशिश की। सैकड़ों महिलाएं इस एग्जीबिशन को देखने के लिए एवं खरीदारी करने के लिए उमड़ी। सुबह 9:30 बजे मलबार हिल के लोकप्रिय विधायक एवं भाजपा मुंबई अध्यक्ष श्रीमान मंगल प्रभात जी लोहड़ा ने इस प्रदर्शनी का विधिवत रूप से रिबिन खोलकर दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना करके उद्घाटन किया। इस अवसर पर मिस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2019 की अनुजा जवेरी विशेष रूप से उपस्थित थी। इस प्रदर्शनी में महिला पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति देकर हौसला बढ़ाया। श्रीमान मंगल प्रभात लोढ़ा ने संस्था एवं महिला शक्ति को किस तरह से उत्साहित किया, आइए सुनते हैं। उषा बहन और उनकी सभी फ्रेंड्स, उनके साथ काम करने वाली नारी शक्ति नारी उड़ान, एक ऐसी संस्था जो 5 साल से लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, मैं उषा जी और उनके सभी फ्रेंड्स को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने केवल शो नहीं किया, आप 5 साल से ये लड़ाई लड़ रही हो और 5 साल से आपने 5,500 महिलाओं को आगे आना सिखाया है। जब जीवन में कभी वो सुख की सांस लेंगी तो आपकी और आपकी फ्रेंड्स को धन्यवाद देंगी कि आपके कारण उनको ये ग्राउंड मिला था, उनको बाहर आने को मिला था। करते रहिए, समाज आपके साथ है। हम महिला दिवस साल में एक दिन मनाते हैं, आप तो रोज मनाती हैं। बहुत बहुत अभिनंदन सबका। महिला जगत की जानी मानी हस्ती है, महिला विकास की जबरदस्त पक्षधर अनुजा जवेरी शुभ समय पर कुछ बता रही है। पहले तो मैं उषा जी का खूब धन्यवाद करना चाहूंगी। चीज अपनी जो नारी शक्ति है, वो एक जो पावरफुल वर्ड है, उसके लिए जो वो काम कर रही है, जो घर बैठे महिलाएं, यू नो, जिनकी बहुत सारी तमन्नाएं हैं बाहर निकल के कुछ करे, वो हमारे समाज में उनके लिए इतना बड़ा जो कार्यक्रम आयोजित करती है, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। एंड यहाँ पे मंगल जी और इन सर के सामने खड़े रहना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। ये बासा के नाम से जाने पहचाने मेहमान हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात कही, आइए सुनते हैं। और बेरी बैजा, काम ऐसा, चाल ऐसी चलो कि दिशा बन जाए और काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। अरे ये जिंदगी जीना बड़ा ही कठिन है, लेकिन ये हमारे लोडा जी रोज कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, तो संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के कोई महान भी नहीं बनता है। अरे जब तक तो पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता है, पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। हम संस्था की महिला टीम से रूबरू होंगे, उससे पहले हम आपको रूबरू करवाते हैं पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर संध्या रानी भोसले से, जिन्होंने प्रदर्शनी में उपस्थित होकर राजस्थान के महिलाओं को जो हौसला बढ़ाया, तारीफ काबिल है। एक सती गई लेडीज और उसके लिए संघर्ष करने के बाद उसको अब भी न्याय मिला है, तो इतना संघर्ष करके ये औरतें आज इधर आई है और ये इतना भगवती जी और ये इतना अच्छा महिलाओं के लिए इतना प्रोग्राम कर रही है, वो राजस्थान किधर है और ये राजस्थान कहाँ है। तो मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए। और मोटिवेशन देना है तो हर माँ वो ही मोटिवेशन रहती है, वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, लेकिन माँ जो लेडीज रहती है ना, वो हमेशा मोटिवेशन रहती है हर बच्चे के लिए, और वो जैसा माँ सिखाएगी ना वैसा ही वो बढ़ता है, मेरा ये ख्याल है। मेरी माँ हमेशा, अभी 25 साल हो गया मेरे जॉब को, तो मेरी मम्मी है ना नाइट स्कूल में पढ़ी है,
तो हमेशा ना वो कुछ भी हम दुकान से लाते, एक पेपर देखते तो वो पढ़ती थी, तो उसकी वजह से हमको भी पढ़ने की इच्छा हुई। हम 5 बहनें हैं, लेकिन मैं खुद इंस्पेक्टर हूँ, मेरी एक बहन डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है और एक बिजनेस करती है, जैसा अभी ये जो महिला है कर रही है। तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसने 10वीं तक स्कूल किया। तो फिर मैं बोली कि क्या करूँ, मेरे गांव में तो कुछ नहीं, तो उसने डेयरी का बिजनेस शुरू किया। अभी डेयरी का वो संभालती है पूरा गाँव में, हमारा सब दूध इकट्ठा करके वो फैक्ट्री में भेजना है, वो सब करती है। तो अभी महिला मोदी जी है, उन्होंने भी इतना महिलाओं के लिए कर लोन वगैरह सब करते हैं, तो आत्मनिर्भर बन रही है। और सब पुरुषों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप इनके पीछे है कि बाबा करो, कुछ ना कुछ करो, पहले जैसा नहीं कि तुम घर में बैठो। संस्था ने यह डगर कैसे तय की, आइए इस उपक्रम के बारे में टीम से मिलते हैं। यह है श्रीमती उषा मुनोत और उनकी टीम। नारी शक्ति नई उड़ान, ये हमारा सांचौर का एक ग्रुप है जो लेडीज़ अपनी लाइफ में सबकी जिम्मेदारियां निभा रही है, पर खुद के लिए भूल जाती है कि मैं खुद कैसे जी रही हूँ। उसके लिए मैंने ये ग्रुप चालू किया है और ये ग्रुप का मकसद ही यही है कि जितनी भी नारी अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकले, खुद के लिए जीने के लिए सीखे। और ये हमारी कमेटी 9 जन की कमेटी है मेरे साथ, और इतना मजबूत कमेटी है कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरे पे भार आ रहा है कुछ करने के लिए। और प्लस नारी शक्ति नई उड़ान स्पेशली सांचौर के लिए, सांचौर की निवासी जितने भी हैं वो लेडीज़ कभी बाहर ज़्यादा आती नहीं है, उनको समझ भी नहीं आती है। तो ये 45-50+ की लेडीज़ों के लिए ये ग्रुप चालू किया, पिछले 5 साल से ये ग्रुप चल रहा है और हर एक साल में एक एक नया कार्यक्रम बड़ा लेते हैं ताकि लेडीज़ कुछ सीख सके। जब से हमने उषा जी को ज्वाइन किया है तब से हमें कुछ बनने की, कुछ सीखने की, सब नई नई हुनर सीख रहे हैं इनसे, और ये हमें बहुत मोटिवेट करती है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि हमारे जैसे हमारे भी गांव की सब औरतें अच्छा से मोटिवेशन करें और घर से काम करके भी वो बाहर निकले और सब लोगों से मिले, तो उनको पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। नारी शक्ति नई उड़ान में आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत कुछ सीखी हूँ उषा जी से कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पहचान, कहाँ जाना, क्या आना, बहुत मोटिवेट हुई हूँ। और मैं भी यही चाहती हूँ कि सबकी हुनर बाहर आए और सब मोटिवेट बने और सब आगे बढ़े। उषा का मतलब होता है सवेरा, और वो सबको सवेरा दिखाती है, सबको इतना सपोर्ट करती है कि जो नहीं आ सकते बाहर वो भी बाहर आ गए। मैं खुद भी पहले घर में ही थी लेकिन आज इतनी बाहर आ गई हूँ कि मुझे उषा पे गर्व, मुझे भी गर्व है कि मैं आज इतनी आगे आ सकती हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। और आगे भी उषा के साथ है कि हम आगे कुछ करने का, बहुत ही आगे जाना है हम लोगों को। प्रदर्शनी शानदार हुई, सभी ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की और कई महिलाओं ने शाम तक खरीदारी का भी आनंद लिया। तो इस तरह के शानदार कार्यक्रम की जानदार रिपोर्ट देखते रहिए शुभ समय मुंबई का लाइव पर, और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ।